कैमरा बंद कीजिए, अब तक आउटसाइड हो एंड होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो है गाइस, अभी सुबह के कुछ 10 बज रहे हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपना काम पे। सो या अभी ना इधर का मौसम जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है, किसी के लिए ख़राब है तो किसी के लिए एकदम सुहाना। एंड ये पीछे व्यू चेक करें आप लोग। सो अभी मॉनसून स्टार्ट हो चुका है इधर दार्जिलिंग में। अभी प्लेन्स में ना गर्मी बहुत है, तो यह आप लोगों के लिए ये वीडियो है। सो अगर आप लोग हीट को बीट करना चाहते हो तो आ जाओ भाई दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कुछ ऐसा वेदर है अभी, एंड वैसे तो कंटिन्यूसली बारिश चालू है इधर, बट फिर भी ना इसका भी अलग ही मज़ा है। सो आज मेरे साथ है ड्यूक 390 एंड काफ़ी दिनों बाद इसको मैं चला रहा हूँ आज। तो या गाइस अभी निकलते हैं, रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा वो आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। पानी रोड पर तो बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे कुछ अपलोड हो रहा है यार, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कोई चैनल भी है। एक्चुअली काम का प्रेशर और ऊपर से वेदर क्या ही बोले, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इसी के लिए। तो मेरे चैनल पे ना बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है, क्या है, मतलब बारिश है नहीं है, तो इसीलिए सोचा कि यार मानसून का एक वीडियो बना ही देते हैं वेदर वगैरह के ऊपर। ब्लॉक है देखते हैं क्या बात है या नहीं। वैसे आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सोनाडा, सोनाडा से कर्शन, कर्शन से अगर सब कुछ सही रहा तो मैं निकल जाऊँगा सिलीगुड़ी की तरफ। तो अभी दार्जिलिंग में मानसून स्टार्ट हो चुका है एंड अभी टूरिस्ट जो है ना थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि पिछला महीने तक टूरिस्ट का तो भरमार था दार्जिलिंग में। तो बारिश जो है पिछले 15-20 दिनों से लगातार है इधर, तो अरे यहाँ पे ही नहीं मतलब चारों तरफ ही है बारिश। तो क्या बात है भाई, ड्यूक अपना अभी तक इसको हम लोगों ने चला लिया है 36,246 किलोमीटर्स और अभी भी ये बाइक ना रॉकेट है, एकदम रॉकेट। तो अब तक ना ये बाइक का क्लच प्लेट भी चेंज नहीं हुआ है, तो समझ सकते हैं कि ये बाइक को हम लोग कितना मेंटेन करके रखते हैं। और ये 2019 मैन्युफैक्चरिंग है, 2020 रजिस्टर्ड, तो ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा ही हो गया। और ये इसके कंसोल पे ना पूरा फॉग जम गया है। अभी सोना तक क्रॉस किया और जो बारिश है ना वो तेज हो चुका है, तो ये बारिश में चलाने का भी ना अलग ही मज़ा है, लेकिन रोज़ चलाने में दिक्कत होता है। अभी तो आदत सा पड़ गया है, क्या करेंगे, है ना, काम तो करना ही है, बारिश हो या काम हो। और ये रास्ता भी ना बहुत ख़राब हो चुका है भाई, ये लगातार बारिश के कारण देख करो भाई पूरा उखड़ रहा है। कैसा बनाया इस बार रास्ता पता ही नहीं, जगह जगह में गड्ढे। अरे भाई इतना बड़ा गड्ढा मिल गया, ओहो ये चेक करो, लैंड स्लाइड बहुत ही रिस्की है भाई, ऐसे में बाइक चलाना बट क्या करें, अभी काम वाम तो करना ही है। चेक दिस आउट गाइस, खूबसूरत सा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल ना गाइस सिर्फ मानसून में ही दिखाई देता है।
जगह जगह पे ऐसे कंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाता है ना, साथ में ऐसे ट्रैफिक जाम पार्किंग ढूंढना पड़ेगा। बारिश में भी यार पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। कितना भारी है गाइस। तो अभी शाम हम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ज्यादा लीन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत स्लीपर ही है रोड का हालत। चालू हो ही गया है।